नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जनउपकार न्यूज। आपको बता दें, जो आपको ट्रैक पे जो दिख रहे हैं महोदय, ये है गार्ड साहब। गार्ड साहब देखिए किस तरीके से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, लोगों को मना कर रहे हैं कि कृपया आप जो लोग है बैरिकेडिंग के नीचे से ना निकल करके आए, आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। ये गार्ड साहब अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हैं जो मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं तुरंत गाड़ी आ गई, तुरंत आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ एक पल की सिर्फ अगर देरी हो जाती तो यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन गार्ड साहब को मैं सल्यूट करता हूँ, उन्होंने अपने दायित्व का सही निर्वहन किया। गार्ड साहब ने वहाँ पे जो लोग बैरिकेटिंग से नीचे से निकल करके आ रहे थे, बैरियर के नीचे से निकल के आ रहे थे, उनको गार्ड साहब ने मना किया, लेकिन गार्ड के मना करने के बावजूद लोग अपनी जान पर खेलने के लिए उतावले थे। लेकिन देखिए आखिरकार में वही हुआ जिसका डर था। अब क्या हुआ ये आप लास्ट तक देख रही है, बने रहिए हमारे साथ। ये एक गाड़ी आपको अभी दिख रही है, अभी ये एक गाड़ी दिख रही है, देखिए एक गाड़ी अभी ये सामने से निकल रही है, वहीं अभी थोड़े देर के बाद में इसी के साथ दूसरी ट्रैक से भी गाड़ी गुजर रही है। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, तब आप देख करके हैरान हो जाएंगे और गार्ड साहब को आप सल्यूट करेंगे कि गार्ड साहब ने अपनी ड्यूटी को बाखूबी ईमानदारी से किया है। लेकिन सबसे पहली बात ये समझ में नहीं आती कि आखिर इतनी जल्दी क्यों होती है लोगों को, लोग क्यों अक्सर खतरा मोल लेते हैं। ये देखिए, ये देखा आपने, ये गाड़ी, ये उधर ट्रैक से भी गाड़ी गुजर गई, उसके बाद में भी जब पूरा वीडियो ख़त्म होगा तब आपको पता लगेगा कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे कैसे हो गई, इतनी बड़ी चूक। इस वीडियो को आप जन जन तक शेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए। बाकी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।